नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दुनिया में एक खबर की बहुत चर्चा है। नरेंद्र मोदी के प्रभाव का कायल अमेरिका का टॉप जासूस है। दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। कहा जाता है कि दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी होता है तो किसी और को हो ना हो CIA को खबर रहती है। उसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने एक अमेरिकी चैनल को दिए इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि पुतिन तो रूस यूक्रेन युद्ध में एटम बम इस्तेमाल कर देते, लेकिन मोदी की बात पुतिन ने मान ली। अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बात हुई थी। खुद पुतिन ने मोदी को फोन मिलाया था। पिछली बार भी पुतिन ही हॉटलाइन पर आए थे। आप सोचते होंगे कि मोदी और पुतिन के बीच क्या बात हुई होगी। युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है, गोले रूस बरसा रहा है, लेकिन युद्ध खत्म करने की कोशिश भारत कर रहा है। युद्ध परमाणु युद्ध में ना बदल जाए, इसकी भी कोशिश मोदी ने ही की है। CIA का चीफ खुद कह रहा है कि दुनिया अब तक परमाणु युद्ध से इसीलिए बची हुई है क्योंकि पुतिन ने मोदी की बात सुनी और एटम बम का बटन नहीं दबा। क्या नरेंद्र मोदी की वजह से पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर का बटन नहीं दबाया? क्या मोदी के प्रेशर में आकर पुतिन ने परमाणु युद्ध का इरादा छोड़ दिया? यह दावा बीजेपी के किसी नेता का नहीं है, यह दावा भारत के किसी मंत्री का नहीं है। यह बात कही है अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के चीफ ने, वो भी वर्जीनिया में CIA हेडक्वार्टर के भीतर बैठकर। अमेरिका के ही एक टीवी चैनल PBS को दिए इंटरव्यू में CIA चीफ ने खुलासा किया है कि अगर मोदी न होते तो पुतिन परमाणु हथियार का बटन दबा चुके होते। विलियम बर्न्स ने कहा है मोदी के रुख के कारण ही संभावित न्यूक्लियर वॉर रुकी। प्रधानमंत्री मोदी ने परमाणु हथियारों के प्रयोग के बारे में बार बार पुतिन के सामने अपनी चिंता जाहिर की। इसका रूस पर पुतिन पर सीधा असर हुआ। अमेरिका ने साफ साफ नाम लिया है, कहा है पुतिन सिर्फ दो ही नेताओं की सुन रहे हैं, एक हैं जिनपिंग और दूसरे हैं नरेंद्र मोदी। मोदी ने जितनी बार पुतिन के मुंह पर कहा, फोन पर परमाणु युद्ध के खतरे को लेकर आगाह किया, सबका असर हुआ। 24 फरवरी को पहली बार समझाया, 2 और 7 मार्च को मोदी ने चेताया, 1 जुलाई को भी मोदी ने पुतिन को समझाया, 16 दिसंबर को पुतिन ने मोदी को फोन घुमाया और एक बार दोनों नेताओं के बीच में समरकंद में इन पर्सन मुलाकात हुई। हर बार मोदी ने यही कहा, युद्ध छोड़ो, बातचीत की टेबल पर बैठो। एक्सलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। भारत शांति के पक्ष में है, बातचीत से हर समस्या को सुलझाने के पक्ष में है। देश के भीतर बैठे विरोधियों को, राहुल गांधी को, बाकी नेताओं को अभी भी मोदी के इंटरनेशनल कद का अंदाजा नहीं लग रहा। जितने लोग रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अपने ही देश के प्रधानमंत्री की टांग खींच रहे हैं, दरअसल वो वैश्विक स्तर पर मोदी के बढ़ते कद को जानते ही नहीं हैं। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़ी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की इज्जत बड़ी है। कोई हेड ऑफ स्टेट यह कह देता है योर प्राइम मिनिस्टर इज कमांडिंग वेरी हाई रेपुटेशन अमंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो यह सुनते ही हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। पहले भारत कुछ बोलता था तो इंटरनेशनल फोरम पर उसकी बातों को बहुत गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जाता था, ध्यान से लोग नहीं सुनते थे, सुनते भी थे तो इस काम से सुना, इस काम से निकाल दिया। लेकिन आज भारत यदि इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर और कान पकड़कर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत बड़ी है। इंटरनेशनल अरीना में सबसे सीनियर लीडर भी मोदी ही हैं, सबसे पॉपुलर लीडर भी मोदी ही हैं। इसमें ना तो देश को कोई शक है
ना ही दुनिया को कोई संदेह है। तभी तो इससे पहले कि रूस परमाणु बम वाला धमाका करता, मोदी की बात सुनकर पुतिन पीछे हट गए। वैसे खतरा अभी टला नहीं है। रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स लोड करने शुरू कर दिए हैं। बर्फीली पहाड़ियों से होते हुए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों पर पश्चिमी रशिया में न्यूक्लियर मिसाइल्स भेजने शुरू कर दिए हैं। रूस की इन न्यूक्लियर मिसाइल्स की रेंज में अमेरिका और ब्रिटेन है। रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-24 हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 12 गुना ज्यादा ताकतवर है। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस की ये मिसाइल 500 किलोटन के पेलोड के साथ 12,000 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकती है। ये अमेरिका पर तो हमले कर ही सकती है, यूरोप के किसी भी देश को पल भर में तबाह कर सकती है। इस मिसाइल को हमले के लिए तैयार करने में सिर्फ 7 मिनट का वक्त लगता है। ये किसी तैयार की हुई जगह से भी दागी जा सकती है। स्लाइडिंग रूफ वाले किसी गैराज से भी इसे दागा जा सकता है, यानी किसी अनप्रिपेयर्ड पोजीशन से भी फायर की जा सकती है। रूसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती के बाद एक बार फिर दुनिया मोदी की तरफ ही देख रही है। आप किसी भी अंतरराष्ट्रीय अखबार का पहला पन्ना खोल लीजिए, हर जगह एक ही बात है, वो इंडिया ही है, वो मोदी ही हैं, जो दुनिया को परमाणु युद्ध के खतरे से बचा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान में बैठा वो इकोसिस्टम है जो अपनी छवि चमकाने के लिए मोदी पर हमलावर है। इस मोदी विरोधी झुंड की डिक्शनरी से देश के प्रधानमंत्री के लिए हर रोज कभी रूस के नाम पर, कभी चीन के नाम पर उल्टा पुल्टा ही निकलता है। कभी काया राजा तो कभी चूहा। मोदी विरोधी नफरती टैक्स की यह लिस्ट बहुत लंबी है। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है, चूहे के जैसा है, चूहे के जैसा है, चूहे के जैसा है। हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया, तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? एक कायर राजा, बताइए सीमाएं सुरक्षित कैसे रह सकती? हमारी आपत्ति राजा की कायरता से है। हमारी आपत्ति इससे है कि एक कायर राजा ने एक वीर सेना के हाथ बांध दिए हैं। हमारी आपत्ति राजा की कायरता से है। हमारी आपत्ति राजा की उन मजबूरियों से है जिसकी वजह से वो चीन के आगे न मुंह खोल सकता है, न चीन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। कांग्रेस से लेकर भाईजान तक सबकी स्क्रिप्ट सेम टू सेम है, मोदी कमजोर हैं, मोदी कायर हैं। यही लाइन सबने पकड़ी हुई है। यानी बात प्रधानमंत्री की विदेश नीति की हो या मोदी की सैन्य नीति की, मोदी के दुश्मन इन दिनों हिट एंड रन वाला पैंतरा ही अपना रहे हैं, देश को बरगला रहे हैं। सच यह है कि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध पर मोदी सरकार के रवैये को 84% हिंदुस्तानियों ने फुल मार्क्स दिए हैं। यह जानकारी एक सर्वे से मिली है। एक दूसरे सर्वे से पता चला है कि युद्ध के बावजूद हिंदुस्तान की 62% शहरी आबादी ऐसी है जो रूस से इंडिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों में मजबूती चाहती है। भारत को लेकर दुनिया का और देशवासियों का बदलता परसेप्शन 8 सालों में मोदी की विदेश नीति से ही मुमकिन हो पाया है। इसीलिए जैसे ही रूस में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो दुनिया के सबसे बड़े मंच से मोदी को ही मध्यस्थ बनाने की बात कही गई। पुतिन को रोकने के लिए मोदी की लीडरशिप में इंडिया को ही लीड लेने की अपील की गई। CIA ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन्फ्लुएंस के चलते रशिया ने यूक्रेन में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए बहुत बड़ी बात है, आज हमारा परम सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी की तारीफ UN के स्पीच में फ्रांस के राष्ट्रपति करते हैं, आज अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमान बिडेन साहब भी उनको माई फ्रेंड नरेंद्र मोदी कहते हैं, आज इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चाहे पुराने हो या नए हो बड़े सम्मान से उनकी चर्चा करते हैं, पुतिन साहब ने उनकी टिप्पणी अच्छी की है, तो आज नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा नैतिक बल दुनिया में उभर गया है।
और वो इसलिए आया है कि वो जनता के द्वारा चुने हुए लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और दुनिया में भाईचारा और शांति की बात करते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं। तो अगर अमेरिका के बहुत बड़े संस्थान CIA के द्वारा ये बात कही गई है तो एक सच्चाई है, लेकिन बड़ी बात क्या है कि इससे भारत का मान भी बहुत बड़ा है। मगर प्रधानमंत्री के पॉलिटिकल दुश्मनों को इंडिया का बढ़ता कद अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मोदी के ताकतवर होने का मतलब ही यही है कि हिंदुस्तान में उनके विरोधियों की दुकान बंद होना। इसलिए आपने नोट किया होगा, इन दिनों हर रोज मोदी पर निजी हमले की इंटेंसिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा भी हुआ है जो मोदी के एक एक दुश्मन पर बहुत भारी पड़ेगा। मोदी की जिन नीतियों के खिलाफ राहुल, खड़गे और ओवैसी दिन रात हाय हाय करते रहते हैं, इंडियन यूथ ने मोदी की उन्हीं नीतियों को फुल मार्क्स दिए हैं और इसका खुलासा हुआ है द ORF फॉरेन पॉलिसी सर्वे 2022 में। सवाल पूछा गया, भारत की विदेश नीति को आप कितनी रेटिंग देते हैं? जवाब में 70% ने अच्छा कहकर मोदी को सपोर्ट किया। दूसरा सवाल था, कौन सा देश भारत का सबसे भरोसेमंद पार्टनर है? 43% ने रूस का नाम लिया। तीसरा सवाल था कि भारत की विदेश नीति का टर्निंग पॉइंट क्या रहा? जवाब में 16% ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पोखरण में हुए परमाणु टेस्ट का समर्थन किया। UNSC की जिस सीट को लेने से पंडित नेहरू ने इनकार कर दिया था, इस सर्वे के मुताबिक 91% लोगों को लगता है कि भारत के लिए UNSC की परमानेंट मेंबरशिप बहुत जरूरी है। चीन को लेकर जो कांग्रेस इतना हाईतौबा मचा रही है, उसी से जुड़ा सवाल था कि क्या भारत की विदेश नीति पड़ोस के खतरे और सुरक्षा को देखते हुए कारगर रही है। इसके जवाब में 81% लोगों की राय हां में थी। सर्वे के मुताबिक 85% लोगों को लगता है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा पार्टनर बन सकता है, 77% के मुताबिक रूस, 70% के मुताबिक फ्रांस और 68% के मुताबिक ब्रिटेन भारत का लीडिंग पार्टनर बन सकता है। 68% लोगों को लगता है कि रूस यूक्रेन वॉर में न्यूट्रल रहकर भारत रूस के और करीब हो गया। 87% को लगता है कि रूस के साथ भारत के सैन्य रिश्ते बहुत जरूरी हैं। और सर्वे की सबसे बड़ी बात यह है कि 73% लोगों को लगता है कि गलवान के बाद भारत ने चीन को उसकी हैसियत दिखा दी है, एक्शन से पीछे हटने को मजबूर कर दिया है। यानी बात चाहे चीन की हो या रूस यूक्रेन युद्ध की, जो सियासी दुश्मन मोदी के विरुद्ध हैं, वो अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देकर इंडिया के भीतर मोदी के खिलाफ ही युद्ध छेड़ना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ दुनिया का हर लीडर और खुद इंडिया के यूथ यही मानते हैं कि मोदी हैं, इसलिए कुछ भी मुमकिन है। A lot has been done in the past years under the leadership of Prime Minister Modi. Naturally, he's a patriot of his country. India has made tremendous steps forward in development, and the future belongs to India. If there were two people on the planet that Vladimir Putin did not want to get the cold shoulder from, or doesn't want to in general, it's Xi Jinping and Narendra Modi. And both of them, sort of each in their own way, as you said at the summit last week, were kind of cold to him in different ways. And then Modi, in some ways, is more interesting because he waited until the cameras were rolling. He waited until he was sitting across from Vladimir Putin, and he said to him directly, you know, this is not an era of war. And there's the fact that he said it directly to him. It was Prime Minister Modi who told Putin to his face, and I quote, "I know that today's era is not the era of war." Short-term political mileage लेने के लिए मोदी के political opponents हिंदुस्तान के भीतर तो माहौल बना सकते हैं, लेकिन मोदी जो कहते हैं, जो करते हैं, विरोधियों का झुंड उसे कभी मैच नहीं कर सकता, सिर्फ शोर शराबा ही कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ दुनिया हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को लेकर जो सोच रखती है, उससे इस बात पर मोहर लगती है कि मोदी हैं तो कुछ भी असंभव क्यों नहीं है। आज कांग्रेस के नेताओं ने भाषा की लक्ष्मण रेखा पार कर दी। चीन चीन करते करते कांग्रेस के नेता आज ना जाने क्या क्या कह बैठे। नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द कहा, नरेंद्र मोदी की पार्टी के बारे में गलत भाषा का इस्तेमाल किया। साल खत्म होने वाला है, दिसंबर के महीने में कुछ दिन बाकी हैं। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल हलचल रहती है, संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है, कई राज्यों में विधानसभा का विंटर सेशन शुरू हो गया है,
लेकिन मोदी की विरोधी पार्टियां विंटर सेशन में खुलकर माहौल बनाकर रखना चाहती हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, हर जगह मोदी के खिलाफ हमले तेज कर दिए गए हैं। विपक्ष के नेता फर्स्ट हाफ में सदन के अंदर हंगामा करते हैं, सेकेंड हाफ में सड़क पर मंच लगाकर अटैक करते हैं। मोदी का रास्ता ब्लॉक करने का जो प्लान बना है, इस फॉर्मूले से किसको शॉक लगेगा, इस रिपोर्ट से समझिए। जिस तरह चीन हम पर हमारी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है, मिस्टर प्रमोद तिवारी, खामोशी, मिस्टर प्रमोद, कुछ न कुछ राज है। अगर ये चर्चा नहीं करेंगे, इसको अगर रूल सबर निकाल सस्पेंड करके चर्चा को अगर अवकाश देंगे, फिर किसको देंगे? हमें चर्चा करनी है, चर्चा करनी है। मैं इतने सारे उदाहरण दे सकता हूँ जब गंभीर विषयों पे इनके समय चर्चा नहीं हुई, जो डेप्यूटी चेयरमैन साहब ने खुद सदन पे कहा। बहाना चीन का है, टारगेट मोदी है। मोदी का रास्ता ब्लॉक करने के लिए विपक्ष की पूरी स्ट्रेटेजी तैयार है। मोदी के खिलाफ कहां कहां किसने किसने मोर्चा लगाया वो समझ। सबसे पहला मोर्चा तैयार किया गया देश की संसद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 17 बड़े नेताओं ने फ्रंट खोल दिया है। 17 पार्टियों का अलायंस तैयार है, अटैक मोदी पर करना है। संसद में उसी के लिए बार बार अटेम्प्ट किया गया, मुद्दा चीन का उठाया गया, काम संसद का रोक दिया गया। चाइना ये बहुत बड़ा महत्व का विषय है। और प्लीज आज वो वहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं, लोगों को हमारी जगह वो अतिक्रमण करके वहाँ पर पुल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तोपखाने, कारखाने सब बना रहे हैं। तो इसीलिए ये महत्व का मुद्दा है। अगर ये चर्चा नहीं करेंगे, इसको अगर रूल सबर निकाल सस्पेंड करके चर्चा को अगर अवकाश देंगे, फिर किसको देंगे? प्लीज। कांग्रेस पहले दिन से मोदी मोदी कर रही है, विपक्ष उसी बात को दोहरा रही है। मोदी चुप क्यों है? मोदी बोलते क्यों नहीं? संसद में चर्चा क्यों नहीं करते? सारे काम रोक क्यों नहीं देते? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, संसद के सारे काम रोक कर चीन पर चर्चा होनी चाहिए। जवाब पीयूष गोयल ने दिया, बार बार विषय उठाते हैं कि हमें चर्चा करनी है, चर्चा करनी है। मैं इतने सारे उदाहरण दे सकता हूँ जब गंभीर विषयों पे इनके समय चर्चा नहीं हुई, जो डेप्यूटी चेयरमैन साहब ने खुद सदन पे कहा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भी सच्चाई है कि आज से कई वर्ष पहले 2012 में इन्हीं की पार्टी के जो मंत्री थे, ई अहमद, उन्होंने सदन में कहा, मेक योर पॉइंट, मेक योर पॉइंट, चाइना कंटिन्यूज टू बी इन इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इन द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 2012 का इन्हीं के मंत्री का ये वक्तव्य हाउस में एक सवाल के जवाब में। ऑनरेबल मिनिस्टर, बिना बात की बेबुनियाद विषय उठाते, बेबुनियाद ये सदन की गरिमा को गिराते, और मैं समझता हूँ कि एलओपी मिसयूज कर रहे कि उनके पद के वजह से वो उठ सकते हैं। मोदी विरोधियों की स्क्रिप्ट रेडी, आगे का प्लान भी तैयार है। देश की संसद को रोकना है, मोदी पर सवाल उठाना है, नियमों का हवाला देना है, और उसी के मुताबिक प्लान को अंजाम दिया जा रहा है। कांग्रेस लगातार चीन को लेकर सरकार की पॉलिसी पर सवाल उठा रही है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार चीन की हरकत की अनदेखी कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही इसका जवाब दे चुके हैं, अब विदेश मंत्री ने भी सरकार की लाइन क्लियर कर दी है। The honorable member also suggested government is indifferent, he used the word, indifferent to China. So I want to say something, sir. If we were indifferent to China, who sent the Indian army to the borders? Yeah. If we were indifferent to China, why are we today pressing China on disengagement and de-escalation? Why are we saying publicly that our ties are not normal? So we have no problem if there is political differences, if there is even political criticism. I have heard sometimes that my own understanding needs to be deepened. When I see who is giving the advice, I can only bow in respect. But I think we should not directly or indirectly criticize our jawans. Yeah. When our jawans, sir, are standing
Our jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. At 13,000 feet, they are standing there defending our borders. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our jawans, sir. Sir, our jawans are standing their ground. Please. So they should be respected, yes. They should be honored, they should be appreciated. राहुल गांधी और उनकी टीम से जो भी बयान आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन की फौज हमारी सेना के जवानों की पिटाई कर रही है। राहुल गांधी सेना पर सीधे सीधे सवाल उठाते हैं और उनकी टीम मोदी पर सीधे सवाल खड़े करती है, पहले संसद के अंदर, फिर संसद के बाहर, और उसके बाद राहुल गांधी के बगल में बैठकर हर जगह से कांग्रेस के नेता मोदी पर सीधा अटैक कर रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा शक्ति की बात करते हैं। राहुल को सामने देखकर खड़के की शक्ति बढ़ गई। उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला तेज किया और मोदी को चूहा कह डाला। हमारे 20 लोग गलवान के इसमें जिनका जो शहादत दिए, उसके बाद 18 बार मोदी जी और चाइना के प्राइम मिनिस्टर मिले, झूले में बैठ के खेले, सब कुछ हुआ, लेकिन ये क्यों हो रहा है? फिर रोज गलवान में हुआ, डोकलाम में हुआ, आज फिर ताइवान में हो रहा। चाइना आज जो आक्रमण कर रहा है उसके बारे में हम चर्चा चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। राहुल गांधी की पार्टी के अध्यक्ष मोदी को चूहा बोल रहे हैं। राहुल गांधी खुद सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर कटघरे में हैं, लेकिन राहुल गांधी को इसकी जरा भी फिक्र नहीं है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर सब पर भारी है। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लीजिए। रास्ते पे कभी कभी, जैसे मैंने यहां बोला प्रेस के हमारे मित्रों, मुझे रास्ते पे अपने दूसरे प्यारे मित्र भी मिल जाते हैं। आमतौर से वो बीजेपी के ऑफिस के ऊपर खड़े होते हैं। मैं निकलता हूं, वो ऐसे खड़े रहते हैं। और मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं, पहले मैं उनसे यूं करता हूं, हाथ ऐसे रखते हैं। राहुल गांधी को वेव नहीं कर सकते, करना चाहते हैं मगर अलाउ नहीं है। मैं थोड़ा और करता हूं, फिर उनमें से एक दो यहां से हाथ हिला के यूं कर देते हैं, और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। कभी कभी वो देख के ऐसे करते हैं कि बात नहीं कर सकते ना, आते नहीं है, मना है। मैं नफरत नहीं करता उनसे, विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूं, मगर वो अच्छे लगते हैं मुझे, सारे जीव अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी वो यूं करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर जा रहे हो। उनके नेता कभी कहते हैं राहुल गांधी क्यों चल रहा है। ये मेरे दिमाग में था थोड़ी देर के लिए, मैं सोच रहा था ये मैं कर क्या रहा हूं, पैदल चल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, गले लग रहा हूं, क्या कर रहा हूं, और जवाब मिल गया। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब। नफरत के बाजार में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। नफरत और मोहब्बत वाली ये बात राहुल गांधी अक्सर बोलते हैं। शब्द वही पुराने रहते हैं लेकिन डायलॉग नए नए तैयार करते हैं। लेकिन नफरत होती क्या है, इसका नमूना उनके नेता दिखा देते हैं। मोदी को चूहा कहने से मन नहीं भरा तो मल्लिकार्जुन खड़के ने उससे भी तीखी बात कह डाली।
देश को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान दी करी है, राहुल गांधी जी सॉरी राजीव गांधी जी अपने जान दिए इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। पहले दिल्ली, फिर राजस्थान और उसके बाद कर्नाटक। मोदी का रास्ता ब्लॉक करने के लिए एक और मोर्चा कर्नाटक में लगाया गया। कर्नाटक के बेलगावी में जमकर बवाल हुआ। इस बवाल के पीछे असली वजह है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बरसों पुराना बॉर्डर इशू। सड़क के किनारे खड़े इन वाहनों की कतार काफी लंबी है और वजह सियासी है। ये वाहन महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर खड़े हैं। ये जगह है शिंगोली। अब आपको दिखाते हैं, यहाँ से देखिए किस तरह से, अगर आप वहाँ कैमरे की नज़र जाएगी तो ये जो बोर्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं, थैंक यू विजिट अगेन, यहाँ पर कर्नाटक का बॉर्डर खत्म होता है और उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र का बॉर्डर शुरू हो जाता है। अब आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि वहाँ पर जो बॉर्डर है वहाँ पर महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कुछ लोग सड़क जाम कर कर बैठे हैं। उनका ये कहना है कि जो भी प्रोटेस्ट की उन्हें इजाज़त अब तक कर्नाटक के अंदर मिलती थी, जब भी बेलगावी में शीतकालीन सत्र होता था, इस बार वो इजाज़त नहीं मिली। जिन लोगों ने बेलगावी में प्रोटेस्ट करने की कोशिश की उन्हें हिरासत में ले लिया गया और इसके विरोध में यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये मसला अभी का नहीं है, पिछले 50-60 सालों से, कह सकते हैं कि 6 दशकों से ये लड़ाई चल रही है। यहाँ के लोग जो इस बॉर्डर एरिया में रहते हैं, मराठी बोलने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि 16 स्क्वायर किलोमीटर तक की जो आबादी है जो मराठी बोलती है, वो ये चाहते हैं कि उनका महाराष्ट्र में विलीन हो जाए, ये मामला सुलझ जाए। इसलिए कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की थी। ये तय हुआ था कि दोनों राज्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, लेकिन सरकार अपने मिशन में आगे बढ़ती, उससे पहले ही विपक्ष ने उसका रास्ता रोक दिया। कांग्रेस अब इसके लिए भी मोदी सरकार पर ही सवाल उठा रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार महाराष्ट्र को तोड़ना चाहती है, ये अब स्पष्ट हो चुका है। जब राज्य के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री का जो मीटिंग हुआ और उसमें जो बातें सामने आई कि किसी को भी मनाई नहीं की जाएंगी, जा आ सकते हैं, क्या राज्य के हमारे सांसदों को, हमारे विधायकों को क्यों लटकाया गया, क्यों उनको पुलिस के कस्टडी में लिया गया, ये सवाल जब सामने आता है तो केंद्र के नरेंद्र मोदी की सरकार का ही महाराष्ट्र को तोड़ने का प्लान बना हुआ है, यह अब स्पष्ट हो चुका है। नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा का विंटर सेशन शुरू हुआ था। पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। कर्नाटक में वीर सावरकर की तस्वीर पर विपक्ष ने बवाल काटा। विधानसभा में वीर सावरकर की तस्वीर लगाने पर कांग्रेस विरोध कर रही है। एक तस्वीर पर विरोध के नाम पर कामकाज ठप हो गया, सिर्फ हंगामा होता रहा। क्यों बवाल कर रहे? पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में सावरकर जी का फोटो है या नहीं है? और स्वतंत्र वीर सावरकर है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आपके होंगे, आई डोंट डिनाई फॉर दैट। आपको क्या स्वतंत्र वीर सावरकर के डालने से आपको दुख होगा? किसका डालना है? सिद्धरामैया को पूछो, ये दाऊद इब्राहिम का डालना है क्या? ये क्या चाहते हैं? व्हाट डू दे नीड? बार बार ये भी कहते हैं कांग्रेस ने बलिदान दिया है, कांग्रेस में स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिया है। वो कांग्रेस आपका नहीं है जी, आप समझ लो, आपका ये डुप्लीकेट कांग्रेस है, अभी नकली कांग्रेस है। संसद में हंगामा, महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा, कर्नाटक विधानसभा में हंगामा और उसके बाद मोदी के खिलाफ एक और मोर्चा हैदराबाद में खोला गया। मुद्दा यहाँ भी चीन था। गलवान हुआ था उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम ने देश की जनता को ये बयान देकर गुमराह किया, एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, और उसके बाद सारी दुनिया ने देखा, देश की जनता ने देखा कि पीएलए की फौज भारत की सरजमीन में घुसकर बैठ गई। कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि एलएसी के ऊपर
करीब 628 मॉडल विलेजेस चीन बना रहा है और उसको इस्तेमाल करेगा एक स्टेजिंग एरियाज बिल्डअप के लिए। ये सरकार ये सब दुनिया देख रही है। इंग्लैंड का टेलीग्राफ अखबार ये रिपोर्ट लिखता है कि महीने में 2 मरतबा फेस ऑफ होता है भारत की आर्मी का पीएलए के साथ अरुणाचल प्रदेश में। सैटेलाइट इमेजरीज है कि चीन बैठा हुआ है। तो इस मसले में मोदी सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं है, नंबर वन। दूसरा, वो आधी सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं, मिसरीडिंग फैक्ट्स कहते हैं, और अंग्रेजी में जो कहते हैं ना कि अम्यूजिंग डिस्ट्रैक्शंस। तो हमारी फौज स्ट्रांग है, बहादुर है, मगर हमारी सरकार बड़ी कमजोर है चीन के मामले में। चीन वाले मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक सुर में बोल रहा है। मोदी को घेरने के लिए सारे विरोधी इसे सबसे बड़ा मौका मान रहे हैं। कांग्रेस इसमें कश्मीर वाला एंगल भी फिट कर देना चाहती है, इसीलिए अधीर रंजन ने लोकसभा में कश्मीर और पीओके की बात उठा दी। चिंता की विषय भी है सर, जम्मू कश्मीर घाटी में सर ये बेगुनाह लोगों की जान जाने की सिलसिला रुकने की थाम नहीं लेते हैं सर। सर कभी आतंकवाद की गोली से, कभी फौजियों की गलती से बेगुनाह लोगों की जान जाना बंद नहीं हो रहे हैं। सर ये सदन के अंदर बड़े सीने तान के कहे गए थे कि 370 धारा हट जाने की बात, कश्मीर की बात छोड़ी दीजिए, ये पीओके कब्जे में लाएंगे, अक्साई चीन कब्जे में लाएंगे, लेकिन आज हालत ये हो गया कि सर जम्मू कश्मीर से पंडितों भाग रहे हैं, पंडितों को खत्म करने के लिए सूची बनाई जा रहे हैं आतंकवादी की तरफ से, और वो सूची सर सरकारी दफ्तर से निकाले भी जा रहे हैं। तो इस हालत में देख सर हम चाहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर की जो मसला है सर, इस मुद्दे को लेकर सदन में एक विस्तार से चर्चा हो, और सर इस तरीके की फौजियों की गलती से बेगुनाह लोगों की जान गई, आज पेपर में निकाली है कमल कुमार, सुरेंद्र कुमार, अनिल राजौरी में, राजौरी में सर, तो इस विषय को लेकर सर सरकार सरकार एक बयान तो कम से कम दे, सरकार का बयान देना जरूरी है सर। झारखंड के साहिबगंज में हुए सनसनीखेज हत्याकांड की गूंज अब सड़क से सदन तक सुनाई देने लगी है। झारखंड की सड़कों से लेकर लोकसभा और विधानसभा तक बीजेपी ने इस मामले को उठाया। बीजेपी ने इसे लव जिहाद का केस बताया और इसको लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी का मानना है कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है। हैवानियत की सीमा पार की है महोदय, पूरा राज्य शर्मसार है महोदय, पूरा देश शर्मसार है महोदय। हर चीजों पर लाश पर अगर राजनीति होने लगे तो अध्यक्ष महोदय सदन का तो कोई गरिमा रहा नहीं। सड़क से लेकर सदन तक हंगामा, ये सवाल जवाब रूबिका पहाड़िया हत्याकांड को लेकर है जिसने झारखंड की सियासत में भूचाल ला दिया। इसे लेकर बीजेपी जहां सरकार पर हमलावर है, वहीं सरकार इस पर राजनीति नहीं करने की अपील कर रही है। गीता नाम की बेटी जलाई जा रही है महोदय दुमका में, कभी महोदय ये रूबिका की जघन्य हत्या हो रही है महोदय, झारखंड कब चेतेगा महोदय, एक सवाल है महोदय, झारखंड कब चेतेगा महोदय, एक अहम सवाल है महोदय। मैं आसन से आग्रह करता हूँ कि सरकार को निर्देश जाना चाहिए, इस प्रकार के अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा है सरकार उस पर रोक लगाए महोदय, मैं आसन से आग्रह करता हूँ। बच्चों की संवेदनाओं से वाकिफ हूँ अध्यक्ष महोदय, और जितनी गर्मजोशी के साथ ये कह रहे हैं उतनी गर्मजोशी के साथ हम लोग भी कह सकते हैं, लेकिन ये परिपाटी ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, और इनको भी इनकी बातों का पूरा विवरणी के साथ बोलने का भी मौका आता है और समय भी है। और अध्यक्ष महोदय ऐसा नहीं है कि हम लोग भी नई बातें रख सकते हैं, लेकिन जो हर चीजों पर लाश पर अगर राजनीति होने लगे तो
अध्यक्ष महोदय, सदन का तो कोई गरिमा रहा नहीं, और जिस तरीके से ये शोक प्रस्ताव पेश करते हैं, शोक प्रस्ताव नहीं बल्कि शोक मृत जनों पर ये राजनीति करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। सिर्फ झारखंड विधानसभा ही नहीं, लोकसभा में भी ये मामला गूंजा। बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने इस मामले को लेकर लोकसभा में हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। मैं लगातार इस पार्लियामेंट में अपने इलाके के बारे में बोल रहा हूं सर, कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने मेरे इलाके को कब्जा कर लिया है, और जो झारखंड सरकार के सहयोग से ऐसा हो रहा है। परसों की घटना है सर कि पहाड़ी जनजाति जो कि प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप में है, जो अपनी स्थिति खो रहा है, उसकी एक लड़की को जबरदस्ती शादी कर लिया। शादी करने के बाद उसके 50 टुकड़े कर दिए, रुबिया के 50 टुकड़े कर दिए सर, और आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरे देश भर में यदि ये दिल्ली में मर्डर हुआ होता, यदि कलकत्ता में मर्डर होता, बंबई में मर्डर हुआ होता, तो ये पूरे देश की मीडिया इसमें खड़ी होती। और इसके पीछे रीजन ये है सर कि जो हमारा मुख्यमंत्री है वो खुद बलात्कारी है। 2013 में उसके ऊपर बलात्कार के चार्ज लगे और महाराष्ट्र सरकार ने उसकी सीबीआई इंक्वायरी के लिए कहा हुआ है। बीजेपी का ये प्रदर्शन सिर्फ सदन तक ही नहीं, सड़क पर भी दिखा। यहाँ बीजेपी नेताओं ने सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रूबिका के हत्यारे को फांसी दिए जाने की मांग की। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड को लेकर बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसके पीछे भी कई वजह हैं। रूबिका आदिम पहाड़िया जनजाति से थी, जबकि उसका पति दिलदार अंसारी मुस्लिम है। दोनों ने एक महीने पहले लव मैरिज की थी। 2 साल से दोनों रिलेशनशिप में थे। दिलदार की यह दूसरी शादी थी, पहली पत्नी भी साथ ही रहती है। इसको लेकर शादी के बाद से ही घर में रोजाना झगड़े होते थे। इसके साथ ही रूबिका पर धर्म बदलने का भी दबाव डाला जा रहा था। दिलदार इतना शातिर था कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उसने पुलिस में रूबिका की गुमशुदगी की शिकायत की। उसने घर वालों को भी रूबिका के लापता होने की सूचना दी, लेकिन शव के टुकड़े मिलने के बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने कुबूला की माँ और मामा के साथ मिलकर उसने हत्या की और शव के 50 टुकड़े कर दिए। एक तरफ इस हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन हो रही, वहीं दूसरी तरफ पुलिस शव के बाकी टुकड़े ढूंढ रही है। मामले की जांच के लिए एसपी के नेतृत्व में एसआईटी की टीम बनाई गई है। पुलिस आरोपी दिलदार समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अब मांग हत्यारे को फांसी पर चढ़ाने की हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।